दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में साहसी बनना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम मुश्किलों का सामना करें। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया हमें एक बहुत मजबूत इंसान के रूप में देखे। पर जानते हैं ये साहस की चाबी कहाँ छुपी हुई है? क्या आप जानते हैं कि हम में से हर इंसान कैसे साहसी बन सकता है? एक्चुअली में साहस का कोई मंत्र नहीं है, साहस की कोई परिभाषा नहीं है। वास्तव में रोज अपने डर को फेस करना, अपने डर का सामना करना, अपने डर से आंखें मिलाकर जब कोई व्यक्तित्व तैयार होता है तो उसी को हम लोग साहस कहते हैं। डर जितना कम होता चला जाता है, साहस उतना ही बढ़ता चला जाता है। और साहस को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो चीजें तो तुम्हें डराती हों, वो चीजें जिनसे तुम्हारे पैर कांपते हों, वो चीजें जिनसे तुम्हारी धड़कनें बढ़ती हों, उन चीजों को आंखों से आंखें डालकर फेस करना सीखो। अगर बात आती है टेस्ट की, क्लास में टेस्ट हो रहा है और आप टेस्ट से डर जाते हो और सोचते हो अरे मुझे क्या पढ़ना है, मुझे नहीं पता, तो आप जितना उससे भागोगे, अरे आज नहीं हम कल कर लेंगे, अभी तो हमने ढंग से रिवीजन नहीं किया है, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, तो दोस्तों इस डर से जो है वो भागते रहोगे जितना दूर, उतना ही आप साहस से दूर होते चले जाओगे, करेज से दूर होते चले जाओगे। करना क्या होगा? सिर्फ एक ही मंत्र है साहस को प्राप्त करने का, साहसी बनने का, एक ताकतवर व्यक्तित्व बनने का, और वो है रोज के रोज अपने डर को फेस करने का। टीचर क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाता है और पूछता है कि बताइए इसका जवाब किसके पास होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जवाब पता होता है, यहां तक उनके गले तक वो आंसर होता है, लेकिन वो उनके अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो खड़े होकर अपने क्लास के सामने अपने टीचर से बात कर सके और बता सके कि आपने जो पढ़ाया था वो मुझे पूरा याद है। बाद में उनके मन में जरूर आता है कि काश मैंने ये जो है जवाब दे दिया होता। जब टीचर क्लास के उस बच्चे की तारीफ करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन आपके और आपकी सफलता के बीच में एक मामूली सा अंतर आ जाता है, वो है आपका डर या आपके साहस की कमी। तो दोस्तों आज से अपना एक मूल मंत्र बना लीजिए, इफ यू वांट टू गेन करेज, अगर साहसी बनना चाहते हो, करेज इज फेसिंग योर फियर्स, अपने डर को फेस करना, अपने डर का सामना करना ही साहस है, एंड स्टुपिडिटी इज फियरिंग नथिंग। तो अब अगर हम बात करें, अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी चीज से डर नहीं सकते, मुझे डर नहीं लगता, मैं कभी डरता नहीं हूं, तो ये अपने बहुत स्टुपिड चीज है, ये अपने आप में बेवकूफी भरी चीज है। अगर आप इंसान हो, जिंदा हो, तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। लेकिन साहसी वो नहीं होते जो डरते नहीं है, साहसी वो होते हैं, करेजियस वो होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं। जैसे जैसे आप अपने डर का सामना करते जाओगे, डर मरना शुरू हो जाएगा, डर पीछे जाना शुरू हो जाएगा। आप एक टेस्ट देके देखो, फेल हो जाओगे कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इतना साहस तो किया कि अपने कमरों से निकलकर आप टेस्ट देने पहुंचे, आपको यह तो पता चला कि किस हिस्से में मेरी कमजोरी है। बार बार उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक वो डर तुम्हारा गायब ना हो जाए। और एक दिन जब तुम देखोगे कि तुम उस थ्रेशोल्ड को, उस कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हो, और उस दिन तुम्हारा जो साहस है वो तुम्हें एक व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देगा। एक बार क्लास में खड़े होकर बोल के तो देखो, मान लो कि सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, हंसने दो उसको, बोलते रहो। अगर आप इस चीज को फेस करते रहोगे, इसका सामना करते रहोगे, तो एक दिन डर खुद ही तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और आप उसको अपने पैरों से कुचल कर आगे निकल जाओगे। सो याद रखना दोस्तों, अगर वास्तव में आप साहसी बनना चाहते हो तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को उस डर के सामने रखो कि देखते हैं कि मेरा क्या होता है। जो व्यक्तित्व निखर कर आएगा उसको दुनिया देखेगी, आपका साहस दुनिया देखेगी, और वास्तव में आप एक लीडर में कन्वर्ट हो जाओगे। और लीडर वो होते हैं जिनके पीछे लोग चलते हैं, लीडर वो होते हैं जो आशाहीनता में भी आशा देखते हैं, जिनकी आंखों में हमेशा होप की एक चमक होती है, और वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया को भी वो रास्ता दिखाते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को ही संबोधित कर रहा हूं जिन्हें डर तो लगता है। डर लगना बुरा नहीं है, क्योंकि आप जिंदा हो, आप जीवित हो, आप इंसान हो, आपको डर लगेगा। लेकिन मैं जिन लीडर को संबोधित कर रहा हूं, वो अपने डर पर काबू करना चाहते हैं, और वो काबू ऐसे करेंगे कि वो लगातार इसका सामना करते रहेंगे, लगातार इसको फेस करते रहेंगे, और अपने डर को चैलेंज करेंगे कि आ मुझे दिखा कि तुझ में कितनी हिम्मत है, तुझ में ज्यादा हिम्मत है या मेरा लोहा ज्यादा मजबूत है। मेरे लीडर्स का लोहा बहुत मजबूत है। और यकीन मानिए आप दोस्तों, जब आप आंखों से आंखें मिलाकर डर को चैलेंज करना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया आपका व्यक्तित्व का लोहा मानेगी और लोग आपके बारे में कहेंगे ये कामयाबी के लिए ही बना था और आप कामयाबी के लिए ही बने हैं। तो वक्त आ गया है अपने आप को परखने का, अपने आप को टेस्ट में लेकर जाने का, अपनी क्लासेस में परफॉर्मेंस करने का। आपका इतिहास क्या था यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक मीडियोकर स्टूडेंट रहे हो, एक माध्यमिक स्टूडेंट रहे हो, डजंट मैटर। लेकिन अब वक्त है दुनिया को यह दिखाने का कि वो जो डर तुमने मेरे दिमाग में बोया था, वो जो डर मेरे दिलों में बैठा है, मैं उसको निकाल फेंकने के लिए तैयार बैठा हूं। और दुनिया आपकी जो स्टील है, जो दुनिया आपकी ताकत है, जो आपके करेज का लोहा है, वो देखने के लिए तैयार बैठी है। तो चलिए हम लोग अपना सफर शुरू करते हैं, चाहे वो यूपीएससी में बैचेस का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो। अब आप अपने दांत को भींच लीजिए और दुनिया को यह दिखा दीजिए कि वक्त है मेरे साहस को पहचानने का।
तो दोस्तों अपने इस डर को फेस करना शुरू करिए, स्टेप बैक मत करिएगा, क्योंकि आज ये बढ़ाया गया कदम आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं मंजिल की तरफ और दुनिया को दिखा देते हैं कि डर तो लगता है लेकिन मैं अपने डर से आगे जा सकता हूं और दुनिया मेरे साहस को देखने के लिए तैयार है। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, और अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुंचाते रहिए। इस माध्यम से इस जो मैसेज को है वो लोगों को स्प्रेड करिए। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने डर से बाहर नहीं निकल पाते, नतीजा होता है आज हमारा युवा डिप्रेशन का शिकार है, आज वो अपनी प्रतिभाओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है, आज वो उस लाइन के पार नहीं जा सकता जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वो बना है। आप सभी अपने आप में यूनिक हो, आप सभी अपने आप में बहुत ताकतवर हो। मुझे आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसके अंदर कुछ अलग करने की काबिलियत ना हो। अगर ईश्वर ने तुम्हें बनाया तो तुम्हें खास बनाया होगा, बशर्ते तुम अपने डर का जो ये चोंगा उठाकर बैठे हो उसको उठाकर फेंक दो और निकल पड़ो उस साहस की यात्रा पर जहां दुनिया तुम्हें व्यक्तित्व के रूप में पहचाने। तो अगर वाकई में तुम ओजांकियन हो, अगर हो तुम मेरे स्टूडेंट, तो आज से डर को कभी अपने रास्ते में आने नहीं दोगे और अपने पैरों को इतना मजबूत बनाओगे कि कुचल दो उस डर को जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ पड़ते हैं और इस सफलता के सफर में आगे जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके खून को उबाल सके, आप में जोश भर सके, वो लगातार आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों।